नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि ये भाई साहब हैं, इनको ज़मीन पर पड़ा हुआ एक ओप्पो का मोबाइल मिला है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये फ़ोन दिखा दो भाई, पास ले आके ये तस्वीर दिखा दो। ये ओप्पो का मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल भाई साहब को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला है। ज़मीन पर कल सुबह इनको पड़ा हुआ मिला है। इन्होंने इस फ़ोन को उसी समय उठाया और उठाकर अपने पास रखा, देखा भी कुछ समय बाद इनके इस फ़ोन पर कोई फ़ोन नहीं आया, तो भाई साहब ने इसकी दोनों सिम निकाल कर अपने फ़ोन में डाली, लेकिन अभी तक कोई भी फ़ोन इनके पास नहीं आया। और ये फ़ोन लॉक है, ये फ़ोन लॉक है, और किसी का भी अगर ये फ़ोन है तो भाई साहब से संपर्क कर ये फ़ोन लेकर जा सकते हैं। ये ओप्पो का फ़ोन है, आपको मैं दिखा देता हूँ, कैमरा सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आकर दिखाइए। ये फ़ोन है, ये ओप्पो का ये फ़ोन है, और सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसका भी फ़ोन अगर गुम हो चुका है तो वो इन तक पहुंच जाए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम लखविंदर लखा है सर, गांव नई डिला कलां से जुड़े सर। और सर ये जो मोबाइल सर, मैं कल सुबह जागरण से आ रहा था रात को। सर मैं पंजाबी सिंगर हूँ, जागरण करता हूँ माताओं के और पीरों के। तो सर मैं सुबह 5 और 6 के बीच में सर आ रहा था सुबह। आपको कहाँ पड़ा मिला ये फोन? ये जो मोबाइल सर, मेरे को वैधवाला से सर जो पुल है, उस पुल को नीचे क्रॉसिंग करते हैं सर, उस पुल के बिल्कुल सड़क के पास में किनारे के ऊपर सर ये मोबाइल मेरे को मिला है। ये मोबाइल वहाँ पे गिरा हुआ था सर, मैंने इस मोबाइल को उठाया और उसी टाइम मैंने अपनी जेब में डाल लिया सर इसको। घर पे जाने के बाद सर इस मोबाइल के बीच में दोनों सिम मैंने निकाल के, ठीक है सर, इसके ऊपर पेन लॉक लगा हुआ है जी, और एक फिंगर लॉक लगा हुआ है, वो मेरे से नहीं खुले। और इस मोबाइल की दोनों सिम मैंने निकाल के, मेरे इस मोबाइल के अंदर सर मैंने ये दोनों सिम डाली है जी, तो सर ये दोनों सिम बंद मिली इसकी मेरे को इसकी। और अब तक किसी भी भाई का मेरे पास कोई किसी प्रकार का कोई सर फोन नहीं आया, कोई मैसेज या फोन नहीं आया मेरे पास सर। मैं यही बात कहना चाहूंगा, देखो चाहे ये 5 रुपए का है, 10,000 का है, चाहे 50,000 का है, जिस भाई का ये फोन है वो मेरे पास आ जाए मेरा भाई, और जा मेरे को सिर्फ इसकी जो कोई निशानी बता दे, लोग कॉल कर बता दे, और इसके ऊपर एक बार सिर्फ कॉल करके दिखा दे, और सर ये मोबाइल मेरा है, वो आके अपना ये भाई मोबाइल ले जाए मेरे घर। अपना फोन नंबर बताओ ताकि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क कर सके। सर 90170 50 423 86070 40 652 ये फोन नंबर है, इस पर संपर्क करके आपसे फोन लेकर जा सकते। और सर मेरा गांव है नेजा डेला कला, बाबा चन्नू शहीद कॉलोनी। तो साथियों, इन्होंने अपना एड्रेस और फोन नंबर बता दिया है, और ये देखो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी शेयर करो, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ इंसानियत और मानवता के नाते आपका फर्ज बनता है कि किसी का अगर मोबाइल गिर गया है, क्योंकि कोई आम आदमी, कोई बेसहारा दबे कुचले आदमी का कोई फ़ोन गिर गया है तो वो इनसे ले सकता है। ये ज़मीन पर पड़ा हुआ ये फ़ोन मिला है, ये दे सकते हैं, ओप्पो का ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा साथी, ताकि जिस भाई का ये फ़ोन पड़ा हुआ है वो इनसे संपर्क कर सके और इनसे फोन ले सके। अगर किसी का फोन गुम हो चुका है, गायब हो चुका है, और वो इसकी तलाश कर रहा है, तो इनसे, ये नेजा डेला कला से हैं, और इन्होंने अपना फोन नंबर बता दिया है। फोन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए जी। 90170 50 423 86070 40 652 ये फोन नंबर है। और आप काम क्या करते हो भाई साहब? जी मैं जागरण करता हूँ जी, जागरण का काम करते हैं। हाँ जी, तो ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी ईमानदारी और इनकी ईमानदारी को देखकर हम इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि इन्होंने ये चाहे 5 रुपए का है, चाहे 5,000 का है, चाहे 10,000 रुपए का है, इनका ईमान है वो डामाडोल नहीं हुआ, और इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। और ये फोन किसी का ओप्पो का फोन है, ये गिर गया है सड़क पर, पड़ा हुआ इनको मिला है। ये देखो भाई, सड़क पर पड़ा हुआ इनको मिला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।